हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में इसके फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट को सोल्व कर चुके हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं हर पार्ट के अंदर, और उसे हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। स्टूडेंट, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सब्सटीट्यूशन मेथड को डिस्कस कर चुके हैं और उनसे क्वेश्चंस या एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसके फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। पहले हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, क्या होता है, पहली बात तो ये कि रूट देखते ही थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि रूट है तो हमसे शायद सोल्व ही नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रोसीजर बिल्कुल सेम चलने वाला है। रूट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रूट जहाँ पे होगा एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से वही आपको या तो x की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर आपको y की। तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो आपने यहाँ पे रखा रूट टू एक्स, क्योंकि आपका साइड में जीरो है राइट साइड में, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा माइनस रूट थ्री वाई। फिर आपका x की वैल्यू में फाइंड करनी होती कितनी बचेगी, माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट टू, और ये आ गया आपका वाई। इसको आप थर्ड दे देते हो या फिर एक्स की वैल्यू लेके भी छोड़ सकते हो कि आप वैल्यू ऑफ एक्स पुट करेंगे सेकंड में, क्योंकि आप फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपकी ये किस में पुट होती है, सेकंड इक्वेशन के अंदर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करते हैं, चाहे एक्स की फाइंड करें वेरिएबल चाहे वाई वेरिएबल की, आपकी पुट होती है सेकंड इक्वेशन के अंदर। लेकिन अगर आप सेकंड इक्वेशन से कोई एक्स की या वाई की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके अंदर पुट होती है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ये आप डिपेंड करता है कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं या फिर वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप जो भी करेंगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन आपका प्रोसीजर और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली, जिसे हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दिया, और अब इसे हम किस में पुट करेंगे, अपने सेकंड इक्वेशन में एक्स की प्लेस पे। तो रूट थ्री एक्स की वैल्यू की ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस का रूट थ्री वाई और डिवाइडेड बाय आपका कितना है रूट टू, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका रूट एट वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्योंकि आपका पहले से पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये कितना बचेगा थ्री वाई डिवाइडेड बाय रूट टू और माइनस का रूट एट वाई। अब हम स्टूडेंट देखते हैं इसके अंदर जो आपका ये है यहाँ पे वाई आपका क्या आ जाता है, यहाँ से कॉमन आ जाता है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है उसमें भी और इसमें भी क्या आता है आपका वाई कॉमन आता है। तो ये आपने लिख लिया वाई को बाहर, यहाँ से आपका बचता है माइनस थ्री डिवाइडेड बाय रूट टू, और नेगेटिव में हम अंदर ले लेते हैं कितना बचता है माइनस रूट एट, और वापस आपका यहाँ से कितना आ जाता है राइट साइड जीरो के इक्वल है। अब देखिए ये क्योंकि एक कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, ये भी कुछ ना कुछ सॉल्व करके आएगा। थ्री के नीचे आपका डिनोमिनेटर में रूट टू है, रूट टू की वैल्यू 1.41 समथिंग होती है। आप डिवाइड करेंगे कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, और क्योंकि रूट एट की भी वैल्यू 2.2 समथिंग कुछ आएगी, तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ आपकी इंटीजर्स में आ सकती है, पॉइंट्स में आएगी, तो कोई ना कोई आपका पॉइंट्स में यानी कि डेसिमल फॉर्म में आएगी। लेकिन आपने वाई को इससे मल्टीप्लाई करना है, एक किसी पॉजिटिव क्वांटिटी सॉरी नेगेटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई को, और वो आपका मल्टीप्लाई करके जीरो आता है। मतलब दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई करके, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके किस केस में जीरो आ सकता है, या तो आपका फर्स्ट नंबर जीरो हो, यही होती है कि आपकी जीरो आंसर कब आता है मल्टीप्लाई करके, या आपका सेकंड नंबर जीरो हो, या मे बी दोनों ही नंबर जीरो हो। लेकिन यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है वाई तो जीरो के इक्वल है नहीं, सॉरी वाई इंटू में दिस नंबर, यानी कि जो ये नंबर आएगा कैलकुलेट करके आपको पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि दोनों नेगेटिव साइन से हैं, आप कभी भी सॉल्व करेंगे कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगी। मतलब आपको ये तो डिसाइड हो गया कि ये वैल्यू पूरी जीरो कभी भी नहीं आने वाली है, कुछ पॉइंट्स में या डेसिमल में नेगेटिव साइन से कोई वैल्यू आएगी, बट और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वाई के साथ, लेकिन आंसर जीरो आ रहा है। तो पूरी पॉसिबिलिटी जब इसके ना जीरो होने की है कि जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि वाई आपका किसके इक्वल आएगा, जीरो के। ये आप क्या होता है कि स्टूडेंट इसमें कई बार ना ऐसा लगता है कि बस याद कर लिया है कि अगर दो क्वांटिटी इस तरीके से हैं और मल्टीप्लाई करके जीरो है, तो हमने बस वाई को जीरो करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये क्वांटिटी जीरो के इक्वल नहीं है और मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी यही बचती है कि वाई किसके इक्वल आएगा, जीरो के। अब आपकी एक वैल्यू क्योंकि आ चुकी है वाई इज इक्वल्स टू जीरो, अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू आपकी जो कि थर्ड इक्वेशन थी, आपको यहाँ लिखना चाहिए था फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू अपनी फाइंड करके दिखाएंगे। एक्स की वैल्यू थी कि आपकी नेगेटिव रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट टू मल्टीप्लाई बाय वाई, क्योंकि वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, जीरो है। ये क्वांटिटी भले ही कुछ भी हो, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आने वाला है, जीरो। तो एक्स की वैल्यू भी आपकी कितनी बचती है, जीरो, और यहाँ से वाई की वैल्यू भी कितनी बचती है, जीरो। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपको यहाँ से लिखना चाहिए था कि जो ये सिचुएशन थी आपकी, आपकी एक्स की वैल्यू आई थी,
कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, क्योंकि आपने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया था, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ये कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आप अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से आपने ये सिचुएशन यहाँ पे लिखी थी। तो स्टूडेंट ये तो होता है आपकी फिफ्थ जो क्वेश्चन की बात, लेकिन आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आई, जीरो, और वाई की वैल्यू भी कितनी आई है, जीरो। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी वेरीफिकेशन करना चाहें तो यहाँ पे आप एक्स को जीरो पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में और वाई को भी जीरो करेंगे, दोनों को जीरो करने से आपका ऐड करके भी जीरो ही आएगा, जो कि राइट साइड के इक्वल है। देन आप सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे, दोनों को जीरो को माइनस करेंगे तो भी आपका राइट साइड में कितना आ जाएगा, जीरो ही आएगा। तो दोनों ही इक्वेशन से आपकी वेरीफिकेशन हो जाती है कि दोनों ही केसेस में आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट यानी सही निकला है। अब आप क्या करेंगे, इसका सिक्स पार्ट सोल्व करेंगे। सिक्स पार्ट की स्टेटमेंट में आपको टू और थ्री आपको डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। या तो आप क्या करें, टू और थ्री का एलसीएम सिक्स आता है, सिक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। देन सेकंड इक्वेशन में भी सेम है, थ्री और टू है, थ्री और टू का आप एलसीएम लीजिए सिक्स, सिक्स को आप सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए पूरी इक्वेशन का। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, थ्री एक्स बाय टू, चाहें तो आप इसे यहाँ पर इक्वेशन ना दीजिए, बाद में आपकी जो इक्वेशन फाइनल आ जाएंगी ना, जो आपके डिनोमिनेटर्स हट जाएंगे वहाँ से, प्रॉपर जो आपकी इक्वेशन बच जाएगी, फ्रैक्शंस वगैरह कुछ नहीं होंगे, रैशनल नंबर के कोफिशेंट्स हट जाएंगे। तो आपका आया थ्री टू जा सिक्स, अभी आ जाएगा आपका थ्री थ्री जा आपसे यहाँ से कितना बचता है, नाइन बचता है, टू थ्री जा सिक्स क्या, तो थ्री थ्री जा आपका नाइन आ जाता है यहाँ से, और ये बचता है आपका थ्री टू पे गया यहाँ से फाइव, टू जा टेन, और माइनस का टू आपका बचता है राइट साइड में। इसको आप लिखेंगे तो कितना बचेगा, नाइन एक्स माइनस में टेन वाई, और क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिक्स माइनस टू मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, माइनस का ट्वेल्व। ये तो आ गई आपकी स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या निकालनी है, अपनी सेकंड इक्वेशन निकालनी है, तो सेकंड इक्वेशन भी आप यहाँ लिख लीजिए कितनी है, एक्स बाय थ्री प्लस का वाई बाय टू डिवाइडेड बाय आपका कितना है, थर्टीन बाय सिक्स। अब क्योंकि एलसीएम लेते हैं, थ्री टू जा फिर से कितना आ जाएगा, सिक्स, चाहे तो आप सिक्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे पूरी इक्वेशन को, तो भी यही आपकी सिचुएशन बनती। तो थ्री टू जा सिक्स आ गया, टू एक्स बचा यहाँ से, टू थ्री जा थ्री वाई बचा, और यहाँ से आपका 13 बाय 6 प्रेजेंट है। अब क्योंकि 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2x प्लस में 3y, और यहाँ से आप क्या करेंगे, 13 बाय 6 6 चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में ऊपर, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, 6 से 6 कैंसिल, तो आपकी इक्वेशन कितनी बचती है यहाँ पे, सेकेंड 2x प्लस में 3y और इज इक्वल टू कितना बचता है, 6। तो आपके स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी थी, तो ये तो हो गई थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपकी आ जाती है सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 9x माइनस में 10y, और इक्वल्स में कितना आया था आपका, माइनस का 12 आया था, और सेकंड इक्वेशन आई आपकी 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, सॉरी कितना बचा था, 13 बचता है, 6 तो आपका कैंसिल हो गया था ना, हमने गलती से इसको 6 लिख लिया नीचे से देख के, तो ये कितना बचा था आपका 13, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 बचता है, विच इज इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वही यूज़ करना है जो आपने पिछले पार्ट में यूज़ किया, तो आप यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए 9x माइनस में 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12, और सेकंड इक्वेशन क्योंकि आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी कितनी आई थी कि 2x प्लस में 3y, हमने गलती से 6 लिख लिया था लेकिन था क्या आपका 13, 6 आपका कैंसिल हो गया था, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो आप वही फर्स्ट इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की। हम अगर x की निकालते हैं, नेगेटिव कोफिशिएंट 10y उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव 10y, और क्योंकि 9 आपका मल्टीप्लाई में है, x इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, माइनस 12 प्लस में 10y डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है आपका 9। अब क्या करेंगे, आप सेकंड इक्वेशन के अंदर अपनी x की वैल्यू पुट करेंगे, चाहे इसे आप थर्ड भी दे सकते हैं, फिर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अपना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप वैल्यू ऑफ x किसकी भी पुट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन के अंदर, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो ये आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना है आपका, माइनस 12 प्लस में 10y डिवाइडेड बाय 9 और प्लस में कितना है आपका 3y इज इक्वल्स टू 13। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और ये 12 माइनस का मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का 24, ये हो जाएगा आपका 20y, क्योंकि 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा आपका, ब्रैकेट से है बाहर है, और ये आपका 9, और प्लस में आपका कितना बचता है स्टूडेंट, 3y इज इक्वल्स टू 13। अब आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम। अब आप यहाँ पे क्या लेंगे स्टूडेंट, इसका एलसीएम, अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कितना है, 9 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 9, और राइट साइड में आपका कितना दे रखा है 13। तो अब आप एलसीएम लेंगे तो 9 आ गया, अब यहाँ से तो एज इट इज़ 9 1 जो 9 गया, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस अपर को, तो कितना आएगा 20y बचेगा,
और प्लस में 19 जा पे गया, तो 19 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27y। अब आप ये देखिए कि कॉन्स्टेंट आपका 24 माइनस का, और क्योंकि 20 के साथ y है और 27 के साथ, ये कितना हो जाएगा 47y अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 13। अब ये बचा आपका माइनस का 24 प्लस का 47y, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 117, या आपका 117 मल्टीप्लाई करके। अब क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव 24 है तो प्लस का 47 एक तरफ और 117, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा 24। तो ये अगर आप सेकंड अपना इस पर शीट पे कर सकते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना है, आपका माइनस का 24 बचा था आपके पास और प्लस का आया था आपके पास 47y इज इक्वल्स टू 117। दोबारा से आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं होगी यहाँ पे। 117 प्लस में आ गया था आपका 24, या आप ऐड करके लिख लीजिए और नीचे आ जाएगा डिवाइड में, या आ गया था आपका 141 ऐड करके और नीचे आपका डिनोमिनेटर में कितना आता है 47, तो ये आपका कैंसिल होकर कितना आता है 3। वाई की वैल्यू कितनी बची आपकी 3। अब आप थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि आपकी एक्स की वैल्यू हम यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट आपकी कितनी आई थी जो हमने निकाली थी। अच्छा जी, तो हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू थी आपकी माइनस का 12 प्लस में 10y, 10 को y से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कितना हो जाना चाहिए आपका यहाँ पे 30, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना था 9, तो ये कितना बचता है 18 और नीचे आता है आपका डिनोमिनेटर में 9, तो x की वैल्यू कितनी बचती है आपकी 2 और y कितना हो जाता है 3। तो स्टूडेंट इसको आप वेरीफिकेशन भी करके देख लीजिए साथ साथ ही। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको आप दोबारा लिख लीजिए, फिर आप वेरीफाई कर लीजिएगा। एक इक्वेशन थी आपकी 9x माइनस में 10y इज इक्वल्स टू आया था -12। ये काम एक्स्ट्रा काम है, ये आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको करना है, और मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप अपने इक्वेशंस की, यानी कि जो लास्ट में आपकी जो सॉल्यूशंस आते हैं, आप उनको वेरीफाई करके देख सके कि हाँ आपने सही निकाला है या आपका कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो ये आया था आपका 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13। इससे आपकी कंक्लूजन आपका सही निकलता है कि आपने सही इक्वेशन सोल्व करी है। तो यह आया आपका 18, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि x की वैल्यू आपकी 2 आई थी, और ये कितना बचता 30। अब 30 को नेगेटिव का है, 18 माइनस होगा तो कितना बचेगा -12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब यहाँ से आया 2 जा 4 और 3 जा 9, ये दोनों भी ऐड करके कितना आता है 13। इसका मतलब आपकी x की और y की वैल्यू बिल्कुल जो निकली है एग्जैक्ट निकली है, यानी कि आपके जो ये फिफ्थ और सिक्स पार्ट यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।